हेलो एवरीवन, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। अभी थोड़ी देर पहले इंडियन आर्मी की तरफ से मेल आया है दैट नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स 2022 विल बी रिलीज्ड सून एट जॉइन इंडियन आर्मी। एंड इसमें इन्होंने बोला है कि दिस ईयर एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन नीट यूजी स्कोर्स। ओके, तो जो हमारे नीट एग्ज़ाम होगा उसके बेस्ड पे जो है एमएनएस एग्ज़ाम, मतलब एमएनएस की कट ऑफ वो लोग डिसाइड करेंगे। एंड एमएनएस में जो एडमिशन होगा दैट विल बेस्ड ऑन द नीट 2022 के स्कोर पे बेस होगा। ओके, तो ये न्यूज़ काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि फेक है और काफ़ी बोल रहे हैं कि ट्रू है। ओके, बट इसके ट्रू होने के चांसेस ज़्यादा हैं, दैट इज़ 90%, और अगर ये फेक होगी तो 10%। बट दिस न्यूज़ इज़ ट्रू क्योंकि ये plan.plan15@nic.in की तरफ से मेल आया है, दैट इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जॉइन इंडियन आर्मी। ओके, सो इसके फेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है एंड ये न्यूज़ जो है ट्रू है। बट डोंट गेट पैनिक, ओके, क्योंकि अभी बहुत पैनिक का इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया अमंग द स्टूडेंट्स, तो आप पैनिक ना हो। अगर ये मेल ट्रू है तो जो जॉइन इंडियन आर्मी है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जॉइन इंडियन आर्मी पे एक नोटिफिकेशन ये करेगी, रिलीज़ करेगी, अपडेट करेगी। ओके, जिसमें आपको वो सारे प्रोसेस के बारे में ऑफकोर्स बताएगी, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है। इतना बड़ा चेंज हुआ है हमारे एमएनएस एग्ज़ाम में, तो फिर ऑफकोर्स मेल आएगा एंड टाइम भी होगा। बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू कि इन केस ये न्यूज़ ट्रू हुई और हमें एमएनएस का एग्ज़ाम, मतलब एमएनएस में एडमिशन नीट के स्कोर पे ही मिला, तो आप अपनी एक सेफ साइड के लिए अभी जाके एनटीए की वेबसाइट पे नीट के लिए रजिस्टर कर लो। ओके, इन केस ये न्यूज़ ट्रू ही तो, और आपने रजिस्टर भी नहीं किया तो आप रह जाओगे, तो उससे अच्छा है कि आप एनटीए के लिए आप रजिस्टर कर लो, नीट के लिए रजिस्टर कर लो। बाकी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये न्यूज़ ट्रू है, सो डोंट गेट पैनिक। अगर ये ट्रू है तो विद इन 1-2 days नोटिफिकेशन आ जाएगा इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा कि हमने ये चेंजेस किए हैं एंड विद प्रॉपर डिटेल्स। वो टेंशन लेने की बात नहीं है, बट फॉर अ सेफ साइड मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर रजिस्टर कर लो, सो दैट बाद में कहीं ये न्यूज़ ट्रू निकले और कहीं जॉइन इंडियन आर्मी भी कुछ ऐसा ही चाहती हो कि जो एमएनएस का एडमिशन हो, एमएनएस के जो एडमिशन है वो नीट के बेस्ड पे हो, तो आप रहना जाओ, फिर आपका जो ईयर वेस्ट होगा देन उससे अच्छा है कि आप अभी एक स्टेप ले लो एंड गो एंड रजिस्टर इट। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो एमएनएस के जो फॉर्म्स निकलेंगे इन्होंने क्लियर कट मेंशन कर दिया है इन द लास्ट लाइन दैट एमएनएस एप्लीकेशन फॉर्म विच इज़ लाइकली टू बी रिलीज इन द मंथ ऑफ जून 2022 एट जॉइन इंडियन आर्मीज वेबसाइट। ओके, तो इसके फॉर्म जो हैं वो जून में निकलेंगे, जून मंथ में निकलेंगे 2022। वैसे ही ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड तो नहीं था, बट ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। ऑलराइट, बट अभी भी ऐसा चल रहा है कि ये फेक है या ट्रू, बट मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इसके ट्रू होने के चांसेस 90% है, और अगर ये ट्रू हुआ तो मेल भी नोटिफिकेशन भी आ जाएगा आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो फॉर अ सेफ साइट आप रजिस्टर कर लोगे तो दैट विल बी मच बेटर। बाकी डोंट गेट पैनिक। सिलेबस में काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि जीके और इंग्लिश पढ़ना है या नहीं, तो वो भी आपको जो नोटिफिकेशन है उसमें रिलीज़ होगा। बट अगर हम एक बार कॉमन सेंस लगा के देखें तो नीट का जो सिलेबस होता है वो होता है पीसीबी, दैट इज़ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 11th and 12th की, तो जीके एंड इंग्लिश यहाँ पर हमें कहीं स्टैंड नहीं दिख रहा है। बट अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है। ओके, ये तो बस अभी एक मेल आया है काफ़ी बच्चों को, तो डोंट गेट पैनिक एंड जस्ट वेट करते हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।